हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम सेट टाइम आउट मेथड और क्लियर टाइम आउट मेथड को हम कैसे यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। ये बहुत ही आसान है। आज जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर मैंने दो बटन लिए हुए हैं, एचटीएमएल बटन से, एंड बटन क्लिक पर हम एक मेथड कॉल कर रहे हैं स्टार्ट टाइम आउट का। एंड ये मेथड के अंदर हमने यूज किया हुआ है सेट टाइम को, सेम टाइम आउट को। एंड सेट टाइम आउट के पैरामीटर में हम दो वैल्यूज डाल रहे हैं, उसमें से फर्स्ट वैल्यूज है लॉग फंक्शन, ये एक और फंक्शन है। एंड दूसरा वैल्यू है मिली सेकेंड में, देख जो कि 10 सेकेंड है बेसिकली। एंड सेम वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट भी करा रहे हैं। एंड ये वैल्यू बेसिकली रिटर्न वैल्यूज है, जो कि एक आईडी है जो हमें मिलता है सेट टाइम आउट मेथड से। एंड सेम फिर इन लॉग फंक्शन, जो कि 10 सेकंड बाद कॉल होने वाला है सेट टाइम आउट की वजह से। इसमें इसके अंदर हमने काउंट को इंक्रीज किया, एंड काउंट विद हेलो स्ट्रिंग को हमने लॉग भी किया है और अलर्ट भी कर रहे हैं। तो एक और हमने यहाँ पर दूसरा बटन बनाया हुआ है जो कि टाइम इंटरवल को क्लियर कर रहा है। एंड उस मेथड को हम ने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। एंड इस मेथड के अंदर बेसिकली हम ज़्यादा कुछ नहीं, ओनली क्लियर टाइम आउट को कॉल कर रहे हैं। एंड इस क्लियर टाइम आउट के अंदर पैरामीटर में हम सेम वैल्यू को पास करें जो कि हमें सेट टाइम आउट के रिटर्न से मिलता है। देखते हैं इसको चला करके ब्राउजर में। ओके, सो लेट्स ओपन इट इन ब्राउजर। तो अब आप देख सकते हैं इसमें दो बटन यहाँ दिख रहे हैं हमें, एचटीएमएल बटन। एंड पहले मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो कंसोल में जैसा कि हम देख सकते हैं अभी कुछ भी नहीं है, एम्प्टी कम्प्लीटली कंसोल। तो जब जैसे हम क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर, स्टार्ट टाइम आउट बटन पर बेसिकली, तो ये स्टार्ट टाइम आउट मेथड को कॉल करेगा। ओके, एंड पहला ये लॉग को प्रिंट करेगा, एंड 10 सेकंड बाद इस फंक्शन को कॉल करेगा, एंड इसके अंदर ये इसको प्रिंट करेगा, राइट। तो लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट टाइम आउट बटन। ओके, तो मैंने क्लिक कर दिया स्टार्ट टाइम आउट पर। तो यहाँ हमने जैसा कि देख रहे हैं वैल्यू 1 आ गया हमारे पास, और अगर हम 10 सेकंड तक वेट करते हैं तो ये हमें एक अलर्ट देगा, एंड सेम मैसेज ये हमें कंसोल में भी देगा। तो ये हमने अलर्ट दे लिया, मिल गया हमें 1 विद हेलो, एंड सेम वैल्यू हमें कंसोल में भी मिल रहा है, जो कि हमें इस लाइन से मिल रहा है, लाइन नंबर 16 से। ओके, तो लेट्स रिफ्रेश द पेज, राइट। तो हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो यहाँ हम फिर से क्लिक करते हैं स्टार्ट टाइम आउट पे, बट इस बार हम 10 सेकंड न्यू होने देंगे, उससे पहले हम क्लियर टाइम आउट बटन पर क्लिक कर देंगे। और जैसे हमने क्लियर टाइम आउट बटन पर क्लिक किया, तो क्लिक करते ही हमें ये लाइन, ये फंक्शन को कॉल हो गया, जो कि लाइन नंबर 25 पर है। एंड इस फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहला कंसोल लॉक किया क्लियर टाइम आउट, एंड क्लियर टाइम आउट मेथड को कॉल करने के बाद जस्ट हमने अलर्ट को यहाँ पर अलर्ट कर दिया बेसिकली टाइम आउट क्लियर। तो हम लेट्स सी इन द लॉग एंड कंसोल। तो कंसोल हम देख रहे हैं क्लियर टाइम आउट यहाँ आ गया, एंड हमें अलर्ट में टाइम आउट क्लियर आ गया। और इसके बाद बेसिकली जो टाइम आउट फंक्शन था वो कॉल नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसको पहले ही क्लियर कर दिया है टाइम आउट कॉल होने से पहले। तो बेसिकली ये उस प्लेस पर यूजफुल है सेट टाइम आउट, जहाँ पर कि हमें किसी भी मेथड को और समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को बेसिकली एक टाइम इंटरवल के बाद कॉल करना है। बट ये जो सेट टाइम आउट ये ओनली 1 टाइम कॉल होता है। इफ़ यू वांट टू यूज लाइक हमें रिपीट करके कॉल करना है किसी भी चीज़ को, देन हम उसके लिए सेट इंटरवल यूज करते हैं, एंड सेम उसको भी क्लियर करने के लिए हम क्लियर इंटरवल यूज करेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम इतने सेट टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट की ही बात करेंगे। तो बेसिकली ये एक छोटा सा, मतलब
एक्सप्लेनेशन है एंड फॉर मोर डिटेल आई विल यू कैन आस्क ऑल्सो इन कमेंट लाइक इफ यू लाइक अगर आपको कुछ डिटेल जानना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं सेम थिंग को. ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.